गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के रूपनगर इलाके में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई है। इधर सूचना पाकर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मलबे से 6 मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन 2 मजदूरों की हादसे में मौत हो गई। लोनी इलाके का पूरा मामला है, निर्माणाधीन फैक्ट्री थी जिसका लेंटर अचानक से गिर गया और लेंटर गिरने से कई जो मजदूर थे इसके नीचे दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद कई लोगों को बाहर निकाला गया। 6 मजदूर बताए जा रहे हैं जिन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और चलिए इस वक्त शक्ति सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं घटनास्थल से। शक्ति, अपडेट क्या है? क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है या अभी भी जारी है? जरा जानकारी दीजिए। देखिए, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वह समाप्त हो गया है और इसमें जो इस समय घायल जो मजदूर हैं जो निकाले गए हैं बाहर, वो 11 मजदूर हैं और 2 की मौत हो गई, यानी कि 13 लोग थे। वहीं हम आपको दिखाते हैं कि ये जो घटना हुई है किस तरह से हुई है और कहाँ पर हुई है। ये फैक्ट्री है, निर्माणाधीन फैक्ट्री है। यहाँ पर लेंटर डाला जा रहा था, आधे हिस्से में लेंटर डाल दिया गया था और बताया ये जा रहा, जो इसकी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर जो मिट्टी थी वह मिट्टी भराव के लिए जो लाई गई थी वह कच्ची थी और जो बल्लियाँ थी उनकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो हाइट पूरी ऊपर प्रॉपर तरीके से ऊपर की तरफ जो लेंटर है जहाँ पर लेंटर डल रहा है वहाँ तक पहुँच सके, तो बीच में एक ज्वाइंट लगाया गया था। हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो हादसा हुआ है वह किस तरह से हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है उसे यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे करने में कितनी दिक्कतों का सामना आया। ये एक ही रास्ता है जिस रास्ते से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक ही रास्ता है जहाँ से जो रेस्क्यू टीम है वह अंदर गई, जो एनडीआरएफ के जो लोग थे वह अंदर गए, वही जो लोग थे आसपास के वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे। ये कल यानी कि कल 3 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, मामला है, और रात के 1 बजे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो ये एक निर्माणाधीन फैक्ट्री है जहाँ पर ये घटनाक्रम घटित हुआ है और जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जिनकी मौत हुई है उसमें एक राजेश है जिसकी उम्र 30 वर्ष है और एक समीर है जिसकी उम्र 40 वर्ष है। तो हम यही दिखा रहे हैं कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट आपको दिखा रहे हैं, ये हाइट है 18 फुट, यानी कि 18 फुट पे लेंटर डाला जा रहा था और आधे हिस्से में इस फैक्ट्री में लेंटर डाला जा चुका था। वही जो बल्लियां हैं, जो ये बल्लियां नीचे की तरफ, ये जो बल्लियां, चलिए बिल्कुल शक्ति, कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि जो मलबे में नीचे दबे हुए लोग थे उन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। 2 लोगों की मौत आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर एटा से है जहां बस पलटने से 25 यात्री घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार बस पलट गई। घायल यात्री को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। रोडवेज की बस टूंडला से बरेली जा रही थी और मिरहची थाना क्षेत्र के सिरसा टिप्पू के पास एक राहगीर को बचाने की कोशिश में अचानक से ये बस पलट गई, जिसमें 25 से ज्यादा जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से एक राहगीर को बचाने के चक्कर में पूरा हादसा पेश आया जिसमें 25 यात्री घायल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।